नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त बीकानेर जिले की खास खबरें। बीकानेर में कोरोना के मामलों को लेकर बीते 5 दिनों में बड़ा कंट्रोल देखने को मिला। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए और इसके लिए सख्ती सहित अन्य काम भी किए गए। बीकानेर में अब तक 37 कोरोना संक्रमित मामले आए और इनमें से एक महिला की मौत हो गई और ज्यादातर मरीज ठीक हो गए। बीकानेर जिले में ड्राइविंग करते हुए ट्रक के चालक को नींद की झपकी आ गई और इससे अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। हादसा लूनकरण सर के खारा के पास हुआ। वह ट्रक चावल से भरा हुआ था। हादसे में चालक और परिचालक चोटिल हो गए। हाईवे पुलिस ने दोनों को बाहर निकलवा कर हाईवे प्रभारी गिरवर सिंह से प्राथमिक उपचार करवाया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में भारी मात्रा में पॉलिथीन जब्त की गई। नगरपालिका ईओ भवानी शंकर व्यास की अगुवाई में आड़सर बास एरिया में एक दुकान पर कार्यवाही की गई। ईओ ने बताया कि रमजान नामक व्यक्ति की दुकान से 70 कट्टे पॉलिथीन जब्त की है और इससे करीब 2,250 किलो पॉलिथीन मिली, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। बीकानेर जिले की पुलिस ने गुटखे तंबाकू को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 टैंकर से 25 बोरी और 30 कार्टून सामान बरामद किया। सरकार ने गुटखे की बिक्री पर रोक लगा रखी है। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि गांव जेतासर में एक कैंटर से 25 बोरी में भरे जर्दा, गुटखा, बीड़ी आदि को जब्त किया गया। श्री डूंगरगढ़ निवासी तरुण, आसिफ और बालकिशन को पकड़ा है। वहीं कालू रोड पर दूसरी कार्यवाही में कैंटर से 30 कार्टून जर्दा, बीड़ी और गुटखा जब्त किया। बीकानेर में कर्फ्यू प्रभावित और हॉटस्पॉट इलाके में लोग कई दिनों से घरों में कैद हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो सामान्य तौर पर बीमार हैं। इनकी जांच के लिए 7 मोबाइल ओपीडी वैन चलाई गई है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा, डॉक्टर राकेश गुप्ता और एम्बुलेंस समन्वयक ओम किराड़ू ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहारों के मोहल्ले मोहता कुआं तथा मदीना मस्जिद क्षेत्र में डॉक्टर महेश मिड्डा, लैब सहायक नवनीत जोशी, फार्मासिस्ट घनश्याम शर्मा और महेंद्र सिंह ने जांच के साथ निःशुल्क दवाएं भी दी। बीकानेर के कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य एल.ए. गोरी ने बताया कि सेंटर में भर्ती 7 मरीजों में से 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसलिए तीनों मरीजों को आज छुट्टी दे दी गई। वहीं कुल 4 मरीज रह गए हैं, इनमें से 2 बीकानेर के हैं। बीकानेर जिले में बिना मास्क घर से निकलने वाले लोगों को पुलिस पकड़ रही है और इस मामले में गिरफ्तारी तक की जा रही है। कोरोना के मामलों को कंट्रोल रखने के लिए पुलिस हर तरह के सुरक्षा उपाय और सख्ती कर रही है। नोखा थानाधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि भगत सिंह कॉलोनी में हंसराज जाट नामक युवक बिना मास्क जा रहा था और उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर में बुक ट्रस्ट के जरिए एक बुक बैंक की स्थापना की गई है। इसके जरिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें और कॉपियां उपलब्ध करवाई जाएगी। अभियान के समन्वयक सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विश्व पुस्तक दिवस पर यह शुरुआत की गई। शहर भर में कलेक्शन सेंटर बनाकर पुस्तकें संग्रहित की जाएंगी और वहीं भामाशाहों की मदद से कॉपियां भी निःशुल्क देने की व्यवस्था करेंगे। बीकानेर में शहरी सीमाओं सहित भीतरी इलाकों में लॉकडाउन जैसी बड़ी सख्ती है और फिर भी शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। आखिर यह शराब और मादक पदार्थ कैसे कई नाकों को लांघकर आगे आ रहे हैं, यह सवाल बीकानेर के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि नशीले पदार्थ की तस्करी के कुछ मामले जिले में पुलिस ने पकड़े हैं, लेकिन इस पर पूर्णतः प्रतिबंध नजर नहीं आ रहा। बीकानेर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट असद रजा भाटी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है और उन्होंने कहा कि कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में समुदाय के लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इसी तरह की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।